Okay, hello guys, sorry for that video. It got abruptly ended due to certain technical glitch, but we are here and we are going to start with a new session. है ना 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अभी राइट सो द प्रीवियस वन गॉट एंडेड एब्रप्टली एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे ऑलरेडी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड राइट कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड सो नॉट डोंट वरी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर मैं हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों शुरू करने से पहले एक और बार फिर से आप सबका स्वागत है नीट वॉयज चैनल पे एंड मैं हूँ स्वागता मुखर्जी So, we are done with the first question. पहला question हो गया था सबने answer कर दिया था Second question भी हो गया था Third हो चुका है Fourth हो चुका है Fifth हो चुका है Sixth भी Seventh भी और Eighth भी हो चुका है तो आज हमें अभी अभी हमें शुरू करना है नथिंग बट एट जो नाइन्थ क्वेश्चन राइट नाइन्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे हेलो हिमांशी नाइस ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन एंड सॉरी फॉर दैट थिंग इट गॉट देयर वाज सर्टेन टेक्निकल इश्यूज वो अपने आप बंद हो गया एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज हाँ हाँ अच्छा आंसर दिया एंड ऑल देन सडनली आई सॉ कि अरे एंड हो चुका है नो प्रॉब्लम गाइज हेलो सुशांत नाइस टू सी यू हियर सो आर यू गाइज रेडी वंस अगेन सब लोग रेडी हो फिर से आंसर देने के लिए एट तक सबको समझ में आया ना एट क्वेश्चन तक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर करेक्टली तो फास्ट फास्ट आंसर करना है हेलो हरिहर नमस्ते नाइस टू सी यू हियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों एट विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस राइट स्पर्म अक्वायर देयर होल स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है व्हाट डू वी मीन बाय दैट जब स्पर्मेटिड से जब वो यूजुअली आपकी स्पर्मेटोजोआ बन जाती है राइट दैट इज द स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी यहाँ पे एक प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पूछा है कि कौन सा प्रोसेस है राइट सो यू आर सपोज टू आंसर इन द चैट बॉक्स आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है इफ यू आर आंसरिंग करेक्टली आई एम गोना टेक योर नेम गाइस ठीक है तो स्पर्मेटिड इज एक्चुअली अ क्वाइट लार्ज साइटोप्लाज्मिक सेल है ना बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है एक लार्ज न्यूक्लियस है इसी का चेंज होता है इनटू नथिंग बट द एग्जैक्ट शेप ऑफ योर स्पर्मेटोजोआ व्हिच मेक्स इट मच मोर मोटाइल राइट दिस प्रोसेस इज नथिंग बट वेयर द स्पर्म अटेन्स देयर मैच्योरिटी तो उसको हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस इसका एक और नाम है लिख देती हूँ यहाँ पे पूछा जा सकता है स्पर्मियोटिलोसिस भी हम इसको बोलते हैं स्पर्मियोटिलोसिस भी हम इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड चेंजेस इनटू स्पर्मेटोजोआ राइट गाइस तो बिल्कुल सही जवाब दिया है ए आंसर दिया है हरिहर ने वेरी नाइस हरिहर बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चे मैच्योरेशन फेज देख के लग गया कि मैच्योरेशन हो गया ऐसा नहीं है मैच्योरेशन फेज में आपकी स्पर्मेटिड तक बनती है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू इस फेज में होता है ठीक है मियोसिस वन एंड टू दोनों ही आपके मैच्योरेशन फेज में हो रहा है राइट मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोस बहुत सारे आपके स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं राइट ओके ए वुड बी द राइट आंसर गाइस और मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली लेट्स सी स्मार्ट इंस्टीट्यूट सुशांत हेलो प्रदीप नाइस टू सी यू हियर शबनूर अहमद ने सही जवाब दिया है हरिहर ने सही जवाब दिया है हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है एंड टीम अप हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली हां जी यस ज्योति यू हैव आंसर्ड करेक्ट वेरी नाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं पूछा है हाउ मेनी स्पर्म एंड ओवा विल बी फॉर्म फ्रॉम 50 सेकेंडरी ओसाइट्स एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इन ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में थोड़ा डिफरेंस तो बिल्कुल है ना क्या डिफरेंस होता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट ये आपका इक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं बट ऊसाइट में ऊजेनेसिस में ऐसा नहीं है यू गेट अ लार्ज ऊसाइट एंड यू गेट अ स्मॉल पोलर बॉडी डॉटर सेल दोनों अनइक्वल डिवीजन होती है राइट तो आपको फंक्शनल ऊसाइट कितने मिलेंगे 50 सेकेंडरी ऊसाइट से आपको 50 ही मिलेगा राइट यू विल गेट 50 ओनली 50 ओवा ही आपको मिलेगा बट 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको कितना मिलेगा सेकेंडरी ईच विल डिवाइड इन टू टू राइट ईच स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं सो यू विल गेट हाउ मच इन टू टू कर दो दैट इज नथिंग बट गोइंग टू नथिंग बट 100
तो 100 आपको स्पर्म्स मिलेंगे रेस्पेक्टिवली. सो 50 ओवा एंड 100 स्पर्म्स विल बी फॉर्म. लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस हरिहर, थैंक यू प्रदीप. मयूर हैज आंसर्ड करेक्टली. ज्योति, हिमांशी ने सही जवाब दिया है. स्मार्ट इंस्टीट्यूट ने भी सही जवाब दिया है. वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 11th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. ह्यूमन एग हैज, ह्यूमन एग मतलब ऑब्वियसली फीमेल है ना, ओवा, ओवम, सेकेंडरी ऊसाइट, सब सिमिलर नेम्स है ठीक है. सेकेंडरी ऊसाइट, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? इट हैज वन एग वाई क्रोमोसोम? नहीं, यूजुअली जो फीमेल गैमेट है इट इज यूजुअली होमोगैमस ठीक है, वो आपका होमोगैमस होता है ठीक है, नॉट हेटरोगैमेटिक, इट इज होमोगैमेटिक. वन एक्स क्रोमोसोम होता है, इज इट करेक्ट, इज इट राइट, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ. यस, बिकॉज ये आपका एन है ना, दिस गैमेट इज एन हैप्लॉइड, तो एक ही होगा करेक्ट. वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया. यस ज्योति आंसर्ड करेक्टली. ज्योति अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब दिया है. सुचेता ने सही जवाब दिया है. ओमकार ने सही जवाब दिया है. देन साई कृष्णा हैज आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस. ओके ज्योति शर्मा, हिमांशी हरिहर ने भी सही जवाब दिया है. सत्येंद्र ने सही जवाब दिया है. पार्थ हैज आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस. सौरभ ने भी सही जवाब दिया है. वेरी नाइस, परफेक्ट गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. इन टीलोलिसाइथल एग द योक इज फॉर्म. टीलोलिसाइथल हम कौन से एग को बोलते हैं? राइट, सपोज दिस इज द शेप ऑफ एन एग हियर, राइट, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका योक एट वन सिंगल साइड. सो सपोज दिस इज द योक हियर, राइट, एक साइड पे प्रेजेंट है, ऑन वन साइड. जिस साइड पे एक आपका योग प्रेजेंट है वी कॉल दिस नथिंग बट द वेजिटल पोल. इसे हम बोलते हैं वेजिटल पोल, और इस पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, करेक्ट. सो टीलोलिसाइथल का मतलब है कि एक तरफ प्रेजेंट है, ऑन वन साइड. द राइट आंसर वुड बी बी गाइस. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. टीम अप आंसर्ड करेक्टली. अक्रम आंसर्ड करेक्टली. यस ज्योति अग्रवाल आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस. सुचेता ने भी सही जवाब दिया है. सौरभ मजुमदार, ओमकार ने भी सही जवाब दिया है. वेरी नाइस गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 13th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. ऊसाइट इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच. बिल्कुल सही, ऊसाइट जो है आपके ओवरी से ओव्यूलेट आउट होता है, लिबरेट आउट हो रहा है ड्यू टू एलएच. एलएच की वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, वी ऑल नो. लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद जो चीज बाहर निकल के आती है, जो ऊसाइट बाहर निकल के आती है, वो कौन सी ऊसाइट है? सेकेंडरी ऊसाइट है, करेक्ट. तो दैट सेकेंडरी ऊसाइट हैज कंप्लीटेड व्हाट? क्या कंप्लीट हो चुका है उसमें? मियोसिस वन कंप्लीट हो चुका है, राइट. देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं फ्लो चार्ट बना के आपको दिखा देती हूँ, राइट. सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या था? एक सिंगल ऊगोनियम था. दिस ऊगोनियम हैज अंडरगॉन व्हाट? माइटोसिस, राइट. और इसने क्या बनाया? आपका प्राइमरी ऊसाइट. ये प्राइमरी ऊसाइट ऑब्वियसली मियोसिस वन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा बट कंप्लीट नहीं कर पाएगा. प्यूबर्टी के बाद ही वो हो सकता है. तो इमेजिन करते प्यूबर्टी के बाद ये हो गया है एंड इट विल गिव राइज टू व्हाट? अ सेकेंडरी ऊसाइट, राइट. एंड इट विल गिव राइज टू नथिंग बट अ फर्स्ट पोलर बॉडी. ये प्रोवाइड करेगा फर्स्ट पोलर बॉडी. सो लेट सी वेदर दिस इज मैचिंग और नॉट. यही आपका ओव्यूलेट आउट हो जाता है, इसी का ओव्यूलेशन होता है, करेक्ट. सो मियोसिस कंप्लीट किया है बिफोर लिबरेटिंग पोलर बॉडी. नो, पोलर बॉडी तो लिबरेट कर दिया, कौन सा पोलर बॉडी फर्स्ट? मियोसिस वन एंड बिफोर लिबरेटिंग द सेकेंड पोलर बॉडी. यस, दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. मियोसिस वन कंप्लीट कर लिया है लेकिन बिफोर लिबरेटिंग द सेकेंड पोलर बॉडी. सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और एक ऊटेड बनता है या ओवम बनती है. सो बी इज द राइट आंसर गाइस. मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली एंड आई थिंक आंसर करेक्ट दिया है पार्थ ने, अक्रम ने, टीम आपने, ओके. देन जो हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, रोहित आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया है. सत्येंद्र हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. ओके जी, वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं. एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स कब? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर बता दिया था मैंने कि सेकेंड पोलर बॉडी आपके एग
फ्रॉम द एग न्यूक्लियस कब एक्सट्रूड आउट होता है, बाहर जाता है, जब आपकी सेकेंडरी ऊसाइट व्हेन इट इज फर्टिलाइज, सपोज दिस वाज योर सेकेंडरी ऊसाइट राइट, और इसमें इस तरह से छोटा सा एक पोलर बॉडी था, दिस वाज नथिंग बट द फर्स्ट पोलोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस वाज योर सेकेंडरी ऊसाइट एंड इट वाज अरेस्टेड एट विच स्टेज, कौन से स्टेज में ये अरेस्ट था आपका, मियोसिस टू में अरेस्टेड था करेक्ट, सो मियोसिस टू स्टेज में ये अरेस्टेड है. ये कंप्लीट कब करेगा, इसको कंप्लीट कब करेगा, व्हेन दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट, जब स्पर्म आएगा बाय ब्रिंगिंग एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर करेक्ट. तो इस तरह से योर स्पर्म आया, स्पर्म इज ब्रिंगिंग एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू विल गेट नथिंग बट द सेकेंड पोलर बॉडी, यू विल गेट अ ओटेड एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी. So what would be the right answer? After the entry of the sperm, before completion of fertilization. अभी तक fertilization finished नहीं हुआ है यहाँ पे. So let's see किस तरह से हो रहा है. Let's see that. Suppose ये आपका secondary oocyte था, मैं यहाँ पे show कर रही हूँ, जगह नहीं है. ये secondary oocyte है बच्चों, ठीक है. Okay, यहाँ पे N आपका female pronuclei है and the sperm has just attached to it. ठीक है, sperm यहाँ पे attach करेगा कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड इट इज ब्रिंगिंग व्हाट, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर. ये मेटाफेज में अरेस्टेड था तो एनाफेज प्रोमोट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल गेट नथिंग बट व्हाट, यू विल गेट अ सेल, आपको एक सेल मिलेगा यहाँ पे जिसके अंदर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है राइट, और उसके अंदर एक मेल प्रोन्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है. सो दिस इज एन, ये मेल प्रोन्यूक्लियाई है. अभी तक यहाँ पे जाइगोट बना है, नहीं बना है. जब तक जाइगोट नहीं बनेगा हम उसको फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं बोल सकते. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ओटेड राइट. सो ए इज द राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया है बहुत सारे लोगों ने. ओके, क्लियर हो गया, वेरी नाइस. रोहित हैज आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, अक्रम आंसर्ड करेक्टली, ज्योति, नुमान, वेरी नाइस, ओमकार ने भी सही जवाब दिया है. ओके जी, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द, हाँ जी, सायद ने पूछा है सेकेंडरी ऊसाइट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नो, व्हाई इट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ऊसाइट तो आपकी ओव्यूलेट आउट हो रही है ना एवरी मंथ. इट इज आफ्टर प्यूबर्टी. सपोज एक लड़की का जन्म हुआ है, ठीक है, तब तक आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखो. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. अ फीमेल फीटस इज बॉर्न विथ ऑलरेडी प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट एट अरेस्टेड स्टेज. बर्थ के बाद कोई भी नया उगोनिया या प्राइमरी ऊसाइट ऐड नहीं होता है, कोई भी उगोनिया नहीं प्रेजेंट है बर्थ के बाद. बर्थ के पहले ही एम्ब्रियो स्टेज में ही सारे के सारे उगोनिया प्राइमरी ऊसाइट बन चुके थे, बन के वो आपके प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट होके रुके हुए थे क्योंकि उनको एक हार्मोन चाहिए था. वो हार्मोन प्यूबर्टी के बाद ही आ रहा है, GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सो आफ्टर प्यूबर्टी ईच मंथ, एवरी मंथ वो एक एक प्राइमरी ऊसाइट क्या हो रहा है, कंप्लीट कर रहा है अपना मियोसिस और सेकेंडरी ऊसाइट बना रहा है. वही सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो ओव्यूलेट आउट होता है एंड एवरी मंथ इट गोज आउट थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल करेक्ट, अनटिल अनलेस देयर इज फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तभी वो सेकेंडरी ऊसाइट अपनी मियोसिस टू कंप्लीट करके ओटेड या जाइगोट बनाएगी, ठीक है. 15th क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत लोगों ने आंसर मुझे ऑलरेडी दे दिया है. लेट मी टेल यू व्हाट वुड बी द राइट आंसर. व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड, अगर दोनों ओवरीज को हमने रिमूव कर दिया रैट से, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट है ना, इसमें फॉलिक्यूलर सेल्स है या जिसको हम लोग यू नो ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं, थीका इंटरना, तो उनका काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन. तो वो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगी करेक्ट, सो ईस्ट्रोजन विल बी एबसेंट और डिक्रीज्ड इन द ब्लड धीरे धीरे क्योंकि ओवरीज नहीं है, सो नो फॉलिकल्स. सो सी इज द राइट आंसर. मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, ओमकार आंसर्ड करेक्टली, रोहित, सुचेता, अनिल हैज आंसर्ड करेक्टली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. 16th क्वेश्चन. इन अ 30 ईयर ओल्ड लेडी एग्स आर रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ, अभी तो बता सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था. एक 30 साल की ओल्ड लेडी है, ओल्ड नहीं है, 30 ईयर ओल्ड लेडी है, ठीक है. एग्स आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, किस फॉर्म में एग्स रिलीज होते हैं, क्या वो उगोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है, नहीं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नो उगोनिया और प्राइमरी ऊसाइट्स आर एडेड आफ्टर बर्थ. जो फीमेल फीटस का बर्थ ही होता है सारे प्राइमरी ऊसाइट को लेके ओवरी में जो अरेस्टेड है,
प्राइमरी ऊसाइट रिलीज होता है एवरी मंथ? नहीं. सेकेंडरी ऊसाइट होता है? एब्सोल्युटली राइट. सो सी वुड बी द राइट आंसर. करेक्ट, सी वुड बी द राइट आंसर. एवरी मंथ सेकेंडरी ऊसाइट इज ओव्यूलेटेड आउट. ठीक है, सो यस, सी इज द राइट आंसर. नुमान आंसर्ड करेक्टली, अंकिता आंसर्ड करेक्टली, ओमकार, सुचेता, हिमांशी, सायद, अक्रम, रोहित. वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. स्टेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये आपको अलग अलग स्टेजेस दिख रही है, राइट. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी सारी स्टेजेस आपको करेक्ट लग रही है? सबसे पहले है रिकवरी फेज, सिक्रीटरी फेज एंड द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है. या इज इट राइट और रॉन्ग? जल्दी जल्दी बताओ. प्रोलीफेरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज, आपको इन दोनों में से कौन सा करेक्ट लग रहा है? जल्दी जल्दी बता दो. क्या रिकवरी फेज नाम का कोई फेज हम पढ़ते हैं यूजुअली? डू वी स्टडी दैट? नो, वी स्टडी व्हाट? सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज प्रोलीफेरेटिव फेज, है ना, जिसमें आपके एंडोमेट्रियम फिर से धीरे धीरे थिकन होता है. प्रोलीफेरेटिव फेज के बाद आपको क्या दिखेगा? देयर इज ओव्यूलेशन फॉर वन डे. एक दिन होता है ओव्यूलेटरी फेज, ऑब्वियसली दिस इज फॉर वन डे. उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद होता है आपका ल्यूटियल फेज, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, राइट. ल्यूटियल फेज के बाद आपको क्या दिखता है? मेंस्ट्रुअल फेज. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सी, सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. इसका सीक्वेंस भी आपको सही दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस है. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फिर वापस प्रोलीफरेटिव फेज शुरू हो जाता है. सी इज द राइट आंसर. ओमकार, अक्रम, नुमान, रोहित, अंजलि, हिमांशी, अमीशा, अदिति ने सही जवाब दिया, ज्योति अग्रवाल एज वेल, योगेंद्र, अंकिता ने भी सही जवाब दिया. वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन, इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 डेज, सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डे है. नॉर्मल साइकिल कितना होता है? 28 डेज साइकिल होती है, राइट. उस साइकिल में द ओव्यूलेशन फेज इज नथिंग बट 14th डे. 14th डे को क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, दैट वी ऑल नो. और इसी आपके अगर नॉर्मल पीरियड की अगर हम बात करें, सो द रिस्क पीरियड, जिसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, द कपल शुड अवॉइड हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस फेज. वो कौन सा होता है? दैट इज नथिंग बट योर 10th to 17th, 3 दिन पहले 3 दिन बाद में, करेक्ट. तो अगर आपके पास 35 डेज का साइकिल दिया हुआ है तो उसकी ओव्यूलेशन कौन से डे पे होगी? जल्दी बता दो, कौन से डे पे ओव्यूलेशन हो सकती है? आपको ऐड करना है कितना, कितना दिन ऐड किया है अपने 28 से 35 बनने के लिए? यू हैव एडेड प्लस 7 डेज, राइट, तभी 35 मिला है. तो आपको 14 से भी प्लस 7 ही करना है. तो यू विल गेट हाउ विच डे? 21st डे. ठीक है, 21st डे को होगा क्या? ओव्यूलेशन. सो इसके 3 दिन पहले क्या होता है? 16. 3 दिन बाद क्या होता है? नथिंग बट योर 24. सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज द पीरियड. यस गाइस, ओमकार ने सही जवाब दिया है, हिमांशु आंसर्ड करेक्टली, अमीशा आंसर्ड करेक्टली, सायद, सुचेता, देन और कौन, अक्रम, अमीशा हैज आंसर्ड करेक्टली, वेरी नाइस, एंड ओमकार एज वेल. ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं. After ovulation, follicles are converted into, follicles किस में convert होता है after ovulation? जल्दी जल्दी बता दो, quickly, what would be the right answer? So after ovulation, usually आपका जो graafian follicle है, let me write it here and you can answer side by side, ठीक है? Graafian follicle सबसे पहले rupture हो जाएगा, है ना, rupture हो जाएगा, और उस rupture graafian follicle को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस हिमोरेजिकम. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कॉर्पस हिमोरेजिकम. ओके, ये कॉर्पस हिमोरेजिकम विल टर्न इनटू अ कंप्लीट कॉर्प, यू नो, क्लोज्ड कॉर्पस ल्यूटियम, जिसमें कुछ येलो कलर की प्रोटीन प्रेजेंट है, कॉल्ड एज ल्यूटियल प्रोटीन. ल्यूटीन प्रोटीन और ल्यूटियल सेल्स होते हैं. सो यस, दिस वुड बी द राइट आंसर. आफ्टर ओव्यूलेशन फॉलिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. बीच में ये स्टेज आता है, ठीक है, रप्चर्ड स्टेज. सो राइट आंसर दे दिया है आदर्श ने, नुमान ने, ओमकार ने, अक्रम, हिमांशी, सपना, देन हु एल्स, दीक्षा हैज आंसर्ड करेक्टली, अंकिता आंसर्ड करेक्टली, निष्ठा हैज आंसर्ड, निष्ठा का रिट्रैक्ट हो चुका है, दीक्षा ने सही जवाब दिया है. वेरी नाइस. रोहित हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, एट द एंड ऑफ प्रोलीफरेटिव फेज. ओव्यूलेशन कब होता है? कौन से
पार्ट में होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी हमने पढ़ा, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो बीच में हो रहा है, आगे हो रहा है, एंड हो रहा है, कैसे होता है? जल्दी जल्दी आंसर देते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, बिल्कुल सही। प्रोलिफरेटिव फेज एंड कब होता है? 13th डे को एंड हुआ, राइट? और उसका एंड वाले डे ही जो 14th डे है, उसी दिन क्या हो जाता है आपका? ओव्यूलेशन, सेकेंडरी ओसाइट लिबरेट आउट होती है। सो यस, ए वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट। सो ए इज द राइट आंसर, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। ओम आदर्श ने सही जवाब दिया है, ज्योति अग्रवाल, हिमांशी, देन प्रतीक ने सही जवाब दिया है, ओमकार पाटिल, अंकिता, अमीशा, रोहित हैज आंसर्ड करेक्टली, वेरी नाइस, अंजलि एज वेल, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर दे दो चैट बॉक्स पे। एक्सक्यूज मी, ओके, यहां पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हॉर्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज, आपको करेक्ट सीक्वेंस चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो प्रोलीफेरेटिव फेज है, प्रोलीफेरेटिव फेज में क्या देखते हो आप कि द लेवल ऑफ FSH उस टाइम पे हाई है। FSH की वजह से क्या हाई होता है? ईस्ट्रोजन हाई होता है, करेक्ट, ईस्ट्रोजन हाई होता है क्योंकि FSH आपके फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करेगी टू रिलीज ईस्ट्रोजन, करेक्ट। ईस्ट्रोजन की वजह से आपका ओव्यूलेशन होगा, करेक्ट। ओव्यूलेशन हुआ तो फिर क्या बनेगा? ओव्यूलेशन होने के बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल चेंज होके क्या बन गया है? कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, और कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करेगी? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगी। तो आप देख लो यहाँ पे कि सही सीक्वेंस क्या है। लेट सी द सही सीक्वेंस, फर्स्ट FSH, देन ईस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरोन। सो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर बीच में LH देता तो और भी अच्छा होता, बट यहाँ दिया नहीं है, बट वी हैव टू कंसिडर दैट, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी सी। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। रोहित ने सही जवाब दिया है, अक्रम हैज आंसर्ड करेक्टली, यस आदर्श, आई ऑल्सो टीच ऑन प्लस, आई टीच ऑन स्पेशल क्लास, यू कैन विजिट माई प्रोफाइल इन unacademy.com, unacademy लर्निंग ऐप, ठीक है। ओमकार, अक्रम, हिमांशी, रोहित, देन हिमांशु, अमीशा, सत्येंद्र, देन ज्योति, स्मृति हैज आंसर्ड करेक्टली, चलो, दिव्या हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली, दीक्षा ने भी सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 22nd क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। एट ओव्यूलेशन द मैमिलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो मेम्ब्रेन कवर करता है आपके एग को, मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के दिखाया था, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ओसाइट के ऊपर जो एक लेयर होती है, दैट इज एन ए सेल्यूलर लेयर, बिकॉज वो किसी सेल से नहीं बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। किसने बनाया है उस लेयर को? दैट ए सेल्यूलर लेयर जो है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन। किसने इस ग्लाइकोप्रोटीन को सीक्रेट किया है? ओसाइट ने किया है, राइट, ओके। उसके अलावा उसके ऊपर एक सेल्यूलर लेयर भी होती है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या होता है? दीज आर नथिंग बट योर मॉडिफाइड फॉलिक्यूलर सेल्स, आपकी फॉलिकल्स जो है ओवरी के, उसी के फॉलिक्यूलर सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है, फॉलिक्यूलर सेल्स। द राइट आंसर वुड बी बी एंड सी बोथ, करेक्ट, बी एंड सी बोथ करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। प्रणव, स्मृति, अंजलि, ज्योति, रोहित, योगेंद्र, ओमकार, अंकिता, वर्षिता ने सही जवाब दिया, दिव्या, सत्येंद्र, वेरी नाइस, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेट्स सी 23rd क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लीवेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 16 ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज के बारे में मैंने आपको समझाया था, इट इज नथिंग बट अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन, बट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है आपका? यूजुअली एक सेल से आपको दो डॉटर सेल मिलते हैं, एंड बोथ डॉटर सेल्स वुड बी ऑफ इक्वल साइज एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। बट आपको क्लीवेज में क्या दिखता है? एक सेल से आपको दो सेल तो मिलेगा, है ना, दो सेल मिला, लेकिन उनकी साइज छोटी है ना। द साइज ऑफ बोथ द डॉटर सेल्स टुगेदर वुड बी द साइज ऑफ द पेरेंट सेल हियर, ठीक है, राइट। तो क्लीवेज, इफ यू टॉक अबाउट क्लीवेज, किस तरह से वो होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट, जाइगोट में आपका यहाँ पे सपोज फर्स्ट क्लीवेज हुआ, राइट, यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा फर्स्ट क्लीवेज, एंड यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी सेल्स हियर? टू सेल्स आपका फिर बनेगा फोर सेल बनेगा आपका एट बनेगा 16। तो कितनी क्लीवेज हुई? लेट्स सी हियर, फर्स्ट क्लीवेज, यहाँ पे सेकंड क्लीवेज,
थर्ड क्लीवेज एंड फोर्थ क्लीवेज। तो फोर्थ क्लीवेज के बाद आपको मिलेगा कितने ब्लास्टोमियर्स, 16 ब्लास्टोमियर्स। सो बी वुड बी द राइट आंसर। वर्षिता हैज आंसर्ड करेक्टली, अमीशा ने सही जवाब दिया है एंड सत्येंद्र आंसर्ड करेक्टली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ओके वेरी नाइस बच्चों, अमीशा ने भी सही जवाब दिया है, ओके योगेंद्र एंड अंजलि ने भी सही जवाब दिया, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया। समझ में आया जितने लोगों ने 8 बोला है वो गलत है बच्चों, आपको समझ में आया किस तरह से हो रहा है ना, 2 is to n करो आप, 2 to the power n करते रहो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। अगर ऐसे ही पूछता कि 64 ब्लास्टोमियर बनने के लिए कितने क्लीवेज चाहिए होंगे तो आप कितना लिखते, 6 क्लीवेजेस चाहिए होते, ठीक है, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर हियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 24th क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम रोहित, अगर गलत हो गया है तो इट्स ओके, वी आर लर्निंग हियर, है ना, हम सीख रहे हैं, अगर गलत हो रहा है वी आर रेक्टिफाई दैट, है कि नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर द 24th क्वेश्चन। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर कॉल्ड एज व्हाट, ये आपका सपोज ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है और ब्लास्टोसिस्ट इज गोइंग टू इम्प्लांट, ठीक है, तो उसका जो आउटर लेयर है वो किस सेल से बना हुआ है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं बच्चों, है ना, ये क्या है आपका, ट्रोफोब्लास्ट है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ओके ट्रोफोब्लास्ट लेयर, चलो ए तो हो गया ट्रोफोब्लास्ट, वी ऑल नो दैट, एंड एन इनर ग्रुप सेल्स, कुछ इनर ग्रुप सेल्स होती है जो आपकी ट्रोफोप्लास्ट से ही इस तरह से अटैच्ड होती है, एंड इन फ्यूचर इट विल गिव राइज टू व्हाट, इट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज नथिंग बट द इनर सेल मास, सो बी इज इनर सेल मास, सो ए आपका सही जवाब है। इनर सेल मास इज द नथिंग बट प्रीकर्सर फॉर द फ्यूचर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को बनाएगी, और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट आपका प्लासेंटा फॉर्मेशन करता है, फ्यूचर में वो प्लासेंटा बनाएगा, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, बहुत लोगों ने आंसर मुझे पहले ही दे दिया, हिमांशी, दीक्षा, अक्रम, अंकिता, योगेंद्र, अंजलि, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ओमकार ने भी सही जवाब दिया है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 25th क्वेश्चन। सो ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट एम्ब्रियो, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है फॉर क्लीवेज। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, नो, न्यूक्लियर रेशियो इंक्रीज हो रहा है, कैसे, ये सपोज आपका जाइगोट था, राइट, दिस वॉज नथिंग बट द जाइगोट हियर, दिस जाइगोट हैज अंडरगॉन फर्स्ट क्लीवेज, जिसमें आपको दो डॉटर सेल मिलेगा, इस तरह से दो डॉटर सेल मिला, साइज वही है, सो दिस इज 2 cell stage, ठीक है, ये सेकेंड क्लीवेज बनाएगा, and you will get what, you will get nothing but 4 daughter cells, आपको 4 daughter cells मिलेगा इस तरह से, correct, 4 daughter cells मिला आपको, 4 daughter cells here, so आपको यहाँ पे cytoplasmic ratio आपकी बढ़ रही है, नहीं, nuclear ratio बढ़ी, बिल्कुल, एक nucleus था, 2 nuclei हुआ, 4 nuclei हुआ, so they are increasing, no, they are not remaining unchanged, right, size does not increase, yes, size बिल्कुल increase नहीं करता, ये बिल्कुल सही है, Absolutely right. Zygote का जो साइज है एक मोरियुला का भी वही साइज होगा, हालांकि मोरियुला में कितने सेल्स है, ऑलमोस्ट अराउंड 16-32 सेल्स प्रेजेंट है। देयर इज लेस कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, नो, इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर ऑक्सीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइट यहाँ पे क्लीवेज चल रहा है, द डिवीजन इज लाइक मियोसिस, नो, इट द डिवीजन इज लाइक माइटोसिस, यहाँ पे जो 2n था वो सब में 2n ही रहेगा, सो इट्स इक्वल डिवीजन, Do you got it? It's an equational division. So right answer would be B. Many of you have answered correctly. Rohit, Satendra, Akram, Omkar, Yogendra, Ankita, Himanshi, Make It Invincible, okay, ji, Diksha, Anjali, Ankita. Chalo, very nice. Akram, Omkar ne bhi. Moving on to the next question. 26th question pe move karte hai. Let's see what would be the right answer. What is true about cleavage in fertilized egg of human? इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है about cleavage? ठीक है, in fertilized egg of humans. Let's see here. True पूछा है. Meroblastic होता है हमारा, नहीं. देखो meroblastic में क्या होता है? Suppose ये आपका क्या है? एक zygote है. ठीक है, इसमें cleavage हो रहा है.
अगर ये क्लीवेज, सपोज ये जाइगोट है, यहाँ पे बना के भी दिखा रही हूँ, ठीक है, ये क्लीवेज है और ये जो आप सॉरी ये जाइगोट है और इसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, इस तरह से डिवीजन हो रहा है, राइट, एंटायर सेल डिवाइड नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा डिवाइड किया, तो ये क्या होगा आपका मीरोब्लास्टिक, सो दिस इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ओके। हमारे में क्या होता है, पूरा होलोब्लास्टिक कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, सो व्हाट यू विल सी इन होलोब्लास्टिक, ये आपका जाइगोट था, यू विल सी व्हाट, यू विल सी अ कंप्लीट डिवीजन, सो ये हो गया आपका होलोब्लास्टिक, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, आपसे ट्रू पूछा गया था, सो दिस इज रॉन्ग हियर, ठीक है, थैंक यू ओमका, थैंक यू सो मच, ओके। स्टार्ट्स व्हेन एग रीचेस यूटरस, नहीं, क्लीवेज कहाँ पे शुरू हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, सो इट स्टार्ट्स इन फैलोपियन ट्यूब, इट इज आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस, नो इट इज नॉट आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस, इट इज लाइक माइटोसिस बट अ बिट डिफरेंट, जहाँ पे न्यूक्लियर साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर रेशियो बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो आपका नहीं बढ़ता है, ठीक है, सो सी इज करेक्ट, यहाँ पे स्टार्ट इन द फैलोपियन ट्यूब, आपका क्लीवेज शुरू हो जाता है एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन में ही, मैनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, ओमकार, अंकिता, मेक इट इनवेंसिबल, सत्येंद्र, दीक्षा, योगेंद्र, अक्रम, अंजलि, ओके, ज्योति, वेरी नाइस, अच्छा बच्चों चार बच चुके हैं, आई थिंक अभी नीड वॉयज चैनल पे आस्था मैम भी केमिस्ट्री के क्लासेस ले रही है, सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन हर क्लास यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, ठीक है, जिनको भी उनके क्लासेस करनी है आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है गाइज, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, विच सेल डिवीजन इज फाउंड ड्यूरिंग क्लीवेज, ठीक है, कौन सा सेल डिवीजन क्लीवेज के वक्त मिलता है, एमाइटोसिस, नहीं, माइटोसिस नहीं, क्लोज्ड माइटोसिस, यस, क्लोज्ड माइटोसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक प्लाज्म डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक साइज डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर रेशियो इंक्रीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है, मीओसिस तो वो बिल्कुल नहीं है, सो सी वुड बी द राइट आंसर, मैंने थोड़ी देर पहले अभी बोल दिया था, तो सी इज द राइट आंसर, अक्रम आंसर्ड करेक्टली, विठल, नहीं विठल का गलत हो गया, हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, प्रगति आंसर्ड करेक्टली, दीक्षा आंसर्ड करेक्टली, एंड यस आशुतोष, इफ यू आर ज्वाइनिंग प्लस यू कैन आस्क एज मेनी डाउट एज पॉसिबल, आप कितने भी डाउट सेशन में अटेंड कर सकते हो, यू कैन आस्क वॉट एवर डाउट्स यू हैव, नो प्रॉब्लम, एकेडमिक डाउट्स आप बिल्कुल पूछो, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट, देयर आर 60 प्लस एजुकेटर्स प्लस प्लेटफॉर्म में है, ठीक है गाइज, सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन में पहुंच चुके हम लोग, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, हमें टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करना है, हम हाफ वे तो पहुंच चुके हैं, ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, किसका पोर होता है ब्लास्टोपोर, आर्किंटेरॉन का, ब्लास्टोसील का, सीलोम का, या एलिमेंट्री कनाल का, ए सी हियर स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्री कनाल, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट आई विल राइट द फुल फॉर्म, नो प्रॉब्लम, सो व्हाट इज ब्लास्टोपोर, देखो सपोज दिस इज द ब्लास्टुला हियर, मैं आपको डायग्राम बना के वो चीज दिखा देती हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, सपोज दिस इज योर ब्लास्टुला, ठीक है, ये आपका ब्लास्टुला है यहाँ पे, या ब्लास्टोसिस्ट आप उसको बोल सकते हो, यहाँ पे इनर सेल मास है एंड दिस खाली कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लास्टोसील, ये क्या है आपका ब्लास्टोसील है, करेक्ट, सो दिस इज द शेप ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एक बात बताओ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, यूजुअली मैमिलियंस में, मैमल्स में हम ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं क्योंकि दे गो एंड गेट इम्प्लांटेड, है ना, और ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट है वो थोड़ा स्टिकी नेचर हो जाता है ना, वो एडहेसिव कुछ आपका एंजाइम रिलीज करता है जो मदर के एंडोमेट्रियम को इरोड करता है और ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन बनाता है, तभी जाके तो प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है, यही ब्लास्टुला अब क्या करेगा, इट विल अंडरगो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इनवेजिनेशन, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इनवेजिनेशन जिसका मतलब है टकिंग इन, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, इस तरह से कुछ चेंजेस होती है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एंड एक्सप्लेन यू, ठीक है, वो पुश्ड इन हो चुका है, टक इन हो चुका है, कहाँ गया ट्रोफोब्लास्ट, जैसा था वैसा ही है, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास कहाँ गया, वो जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे इनर सेल मास है, ठीक है, ब्लास्टोसील भी आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ब्लास्टोसील आपकी पुश डाउन हो गई, बट यहाँ पे एक नया सा कैविटी बन गया है जिसका एक छोटा सा ओपनिंग है, एक छोटा सा पोर है यहाँ पे, दिस पोर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर, जो आप में मैमल्स में सबसे पहले ये क्या बनाएगा, एनस में डेवलप होगा और इसका ऑपोजिट एंड किस में डेवलप होगा, माउथ में, सो दिस न्यूली फॉर्म्ड कैविटी इज कॉल्ड एज आर्केंटेरॉन, इस कैविटी को हम क्या नाम देंगे, आर्केंटेरॉन, ठीक है, यही आर्केंटेरॉन आपका फ्यूचर गट है,
यही आपका फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, गट बनाएगा। तो यहाँ पे आपकी माउथ है, दिस इज योर एलिमेंट्री कनाल और एनस, राइट? सो दिस वुड बी द राइट आंसर, ए आपका सही जवाब है, नॉट एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल तो अभी है आपके बॉडी में, आर यू एन एम्ब्रियो, आप अभी एम्ब्रियो, मैं एम्ब्रियो हूं, नहीं, राइट? वी हैव टेकन बर्थ, हमारा जन्म हो चुका है कई साल पहले, राइट? सो नाउ आई हैव एन एलिमेंट्री कनाल, आई डोंट हैव एन आर्केंटेरॉन एनीमोर। एंड यहाँ पे तो पूछ रहे ब्लास्टोपोर, आपका ब्लास्टोपोर है या माउथ है या एनस है? यू हैव अ माउथ एंड एन एनस, यू डोंट हैव ब्लास्टोपोर एनीमोर, ये तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में था, राइट? तो ऐसे वर्ड्स जब यूज कर रहे हैं ना, तो समझ लेना वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यू डोंट हैव अ ब्लास्टोपोर एनीमोर, योर ब्लास्टोपोर हैज डेवलप्ड इनटू एनस, वन ऑफ द ओपनिंग ऑफ योर एलिमेंट्री कनाल, ठीक है? तो ए करेक्ट है। शुभम जीत आंसर करेक्टली, यशस्वी आंसर करेक्टली, अंकिता ने सही जवाब दिया, हिमांशी, यशस्वी, अक्रम, ओके, वेरी नाइस, दीक्षा ने भी सही जवाब दिया, यस, ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन पे जा रहे हैं। करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, टू एंड जाइगोट, देन क्लीवेज फॉर्मेशन होती है, देन मोरियुला बनती है, वो ब्लास्टुला बनती है, वो गैस्टुला बनेगी, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के वक्त कैसे फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ है, सबसे पहले आपके पास क्या था, यहाँ पे यू हैड अ ऊटेड, आपके पास था एक ऊटेड। व्हाट इज एन ऊटेड, मैं थोड़ा हिल जाती हूँ, ऊटेड में आपको एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दिखेगा, राइट? यू विल सी अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस, सॉरी एक ही सिंगल है, एंड यू विल सी ऑल्सो अ मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे आपको क्या दिखाई, मेल प्रोन्यूक्लियस भी। अभी तक ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, जब ये फ्यूज होंगे, व्हेन दे विल फ्यूज, नेक्स्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, इस प्रोसेस का नाम है बच्चों एम्फीमिक्सिस, या हम इसको कैरियोगैमी भी बोलते हैं, हम इसे कैरियोगैमी भी बोलेंगे, जिसकी वजह से अब दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो चुका है, ठीक है? दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया है, यू गॉट वॉट, यू गॉट नथिंग बट अ 2n zygote, अब बना आपका diploid zygote, अब तक तो ये nn था, अब जाके fertilization finish हुआ है, उसके बाद क्या होगा, cleavage होगा, cleavage से morula बनेगा, 8 to 16 stage, वो blastula बन जाएगा, फिर gastrulation में क्या होता है, तीनों germinal layers बनती है, so A is the correct answer, let's see how many of you answered correctly, Akram, Yashashvi, Himanshi, Umesh, hello Umesh, then Diksha, Gorakhnath, यस राइट, इन्होंने सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम 30th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, राइट? विच फॉलोइंग होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर मिस्ड मैच, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, जिनकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट फंक्शन अलग होता है, ओरिजिन या स्ट्रक्चरल शेप इज सिमिलर, क्लिटोरिस इज इन केस ऑफ फीमेल एंड पीनस इज इन केस ऑफ मेल्स, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, both are composed of homo, you're nothing but erectile tissues, they are homologous structures, ठीक है? So they are composed of what? Erectile tissue, let me write it here, ये है आपका erectile tissue से बना हुआ है, vagina and prosthetic utricle, is it correct? Yes, prosthetic utricle and vagina, they are absolutely right, दोनों homologous structures है, okay, scrotum and labia majora, ये भी आपका homologous structures है, fallopian tube and prostate, no, ये हो गया आपका non-homologous structure, ठीक है? Fallopian tube is a part of internal reproductive tract in case of female, right? So external genitalia जो होता है female का, vulva जो है, they are, most of them are showing your homologous structure to the male structure. Let's see how many of you have answered correctly. D answer है अंजलि, हांजी प्रगति, I usually take classes at around 3 PM बच्चों and 7 PM, ये दोनों time पे मैं class लेती हूँ नीट वॉयज चैनल पे, ठीक है? प्लस की क्लास मेरी 6 बजे होती है, ये आपकी प्लस कोर्स के लिए है, ठीक है? स्पेशल क्लास की मैं मोस्टली 1 PM लेती हूँ, ये आपका थोड़ा इंटरचेंजिंग वाला टाइम है, बट आई लेट यू नो, ठीक है जी? ओके, यस, 12th सभी चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस होगा शुभम जीत, यस, सारे चैप्टर्स ही डिस्कशन होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कल ही हमने इसका डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है जी? चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, सॉरी आई कुडंट टेक योर नेम, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे स्पैम हो चुका है कि मुझे दिख नहीं रहा है किसी के नाम, एनीवेज, सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, यशस्वी और अक्रम का मुझे दिख गया, शांत कुमार का भी मुझे दिख गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन यहाँ पे है, टेस्टिक्यूलर डीजेनरेशन एंड अदर डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्टली इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनफर्टिलिटी, ओके, इसको हम
किसके डिफिशियंसी की वजह से होती है, कौन सा टैबलेट कौन सा विटामिन लेंगे जिससे ये ट्रीटमेंट हो सके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर बच्चों. सो दैट इज योर विटामिन ई. विटामिन ई जो आपका है टोकोफेरॉल, वो यूजुअली इट हेल्प्स टू फाइट इनफर्टिलिटी. यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. शुभमजीत, देन ज्योति अग्रवाल और आस्तिकायन ने, नहीं गलत आंसर दिया आस्तिकायन ने, जो हिमांशी ने सही जवाब दिया है. शांत कुमार आंसर करेक्टली. विशाल सिंह हैज आंसर करेक्टली. वेरी नाइस बच्चों, बहुत बहुत सही जवाब दिया है. ओके जी, मूविंग ऑन. हेलो दिलेश्वर, नाइस टू सी यू हियर. सत्येंद्र मिश्रा ने सही जवाब दिया है. अंजलि ने भी सही जवाब दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है. गोरखनाथ हैज ऑल्सो आंसर करेक्टली. अगेन कौस्तुभ, आई डू नॉट रेफर एनी रेफरेंस बुक, सो आई यूजुअली कभी भी मैं किसी बुक के बारे में नहीं बोलती हूँ. अगर आपको MCQs को सॉल्व करना है, आप किसी भी पब्लिकेशंस के बुक से कर लो या किसी भी मॉड्यूल क्वेश्चंस कर लो, दैट इज मोर देन एनफ. या आपके वेबसाइट, नीट के वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, NTA है आपके पास. व्हाई आई डू यू वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन बुक्स, मत करो, ठीक है. आपको रीसेंट में वहाँ पे एवरी साल पब्लिकेशन चेंज होता है, एवरी पब्लिकेशन मतलब उनकी एडिशन चेंज होती है ना, जो गलतियाँ भी आती है बहुत सारी. तो बेटर है आप नेट से देख लो, और यहाँ पे भी आपके नीट वॉया चैनल पे PDF में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन जो मैं कराती हूँ उसके PDF. आई मेक इट अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड इट, ठीक है. चलो एनी वेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 32nd क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वॉट विल हैपन टू स्पर्मेटोज़ एट 0 डिग्री टेम्परेचर. 0 डिग्री टेम्परेचर में अगर हमने स्पर्मेटोजोआ को रखा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली लो टेम्परेचर है तो स्पर्मेटोजोआ डीजेनरेट भी नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा. दे विल जस्ट बिकम इनएक्टिव टेम्पररीली. वही तो करते हैं इन स्पर्म बैंक्स, इन क्रायो प्रिजर्वेशन. जब हम करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में तो 0 डिग्री के भी नीचे होता है, सब जीरो लेवल होता है, सब जीरो डिग्री टेम्परेचर होता है, राइट. सो क्रायो प्रिजर्वेशन में हम वही करते हैं, यू कैन जस्ट स्टोर द स्पर्मेटोजोआ एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट बिकॉज इट विल जस्ट रिमेन इनएक्टिव. फिर अगर हमने उसको थॉ किया, थॉ मतलब फिर से वो टेम्परेचर से वापस ओरिजिनल टेम्परेचर में लाया, तो दे आर अगेन विल बिकम एक्टिव, ठीक है. सो सी इज द करेक्ट आंसर 32nd का. मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. यशस्वी, शुभमजीत, अक्रम, मोहम्मद आतिफ, हिमांशी, देन अंजलि ने सही जवाब दिया है. परफेक्ट. सुगंधा हैज आंसर्ड करेक्टली. सत्येंद्र मिश्रा आंसर्ड करेक्टली. ओके जी, गोरखनाथ, यशस्वी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 33rd क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. In urinogenital organs of human, which one of the following part is present in male but not in female? ठीक है, urethra male में present है, बिल्कुल है. तो urethra आपको males में भी मिलेगा and that is almost around 20 cm long. और females में कितना होता है? Females में it is only 4 cm long. Present दोनों में है but size अलग है, length अलग है. Fallopian tube आपको female में दिखेगा. Is, will you find it in female? Yes, बिल्कुल मिलेगा. Vagina भी female में मिलेगा. Vasa difference, it is only found in males. Females में नहीं है. So D would be the right answer, 33rd का. Most of you have answered correctly. Anjali, Pragati, Yashashvi, Umesh, Himanshi, Mohammed Atif, Jagmendra, Satendra, Preet. Okay, Vishal, the prophet's path, then Diksha. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 34th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं बच्चों. अब देखते हैं कौन आंसर देता है. शांत कुमार हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पार्चुरेशन. जब पार्चुरेशन होता है सबसे पहले आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ओके, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ये लेबर इंड्यूस करता है. सो इट इंड्यूसेस लेबर, ठीक है, इंड्यूसेस लेबर, बहुत बढ़िया. उसके अलावा और क्या फंक्शन होता है? ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है क्योंकि ये सारी चीजें प्लेसेंटा रिलीज कर रही है. कॉर्टिसोल, यस, कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है. कॉर्टिसोल या CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसका फंक्शन क्या होता है? ये टाइम डिटरमाइन करती है, टाइम डिटरमाइन करती है बर्थ का. अगर CRH हाई लेवल में है तो प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, और अगर लो लेवल पे है तो डिले हो सकता है. नॉर्मल लेवल पे है तो सही टाइम पे बेबी पैदा होता है या पार्चुरेट होता है. जब डॉक्टर के पास फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल चाहती है, डॉक्टर्स कैसे बता देते हैं कि दिस वुड बी योर ड्यू डेट, राइट? बाई चेकिंग द लेवल ऑफ CRH एंड दे काउंट द अमाउंट ऑफ CRH बेस्ड ऑन द ट्राइमेस्टर. सिर्फ प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन से कोई लेना देना नहीं है. प्रोलैक्टिन का तो मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ मेमरी, योर मिल्क,
मिल्क सिक्रीशन में काम कर रहा है, वो पार्चुरेशन में नहीं हेल्प कर रहा है. सो प्रोलैक्टिन इज नॉट हेल्पिंग इन पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के बाद प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, दैट इज ट्रू फॉर मिल्क सिक्रीशन, बट नॉट हेल्पिंग ड्यूरिंग पार्चुरेशन. गॉट इट? सो इट हेल्प्स इन नथिंग बट सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट. ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट एंड मैमरी ग्लैंड. ठीक है, मैमरी ग्लैंड में जो सेल्स है उसकी सिक्रीशन शुरू कर देते हैं. सिक्रीट करके वो स्टोर रहता है एम्प्यूला में, वो रिलीज नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिफेरस सेल्स भी हम लिख सकते हैं, दैट वुड बी बेटर. वो ऑक्सीटोसिन करता है. सो राइट आंसर बी है. बहुत लोगों ने सही जवाब दिया. यशस्वी, हेलो दीप्ति, नाइस टू सी यू हियर. अंजलि, हिमांशी, मोहम्मद आतिफ, द प्रॉफिट्स पाथ, देन विशाल, शांत कुमार, प्रगति, राम प्रसाद, ओके, शुभम जीत, दीक्षा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. 35th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हम, हाफ से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं. 60 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है. एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रमोटेड बाय व्हाट? एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब यहाँ पे वो यूजुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज प्यूबिक हेयर, सच एज नथिंग बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, वो कौन करता है? दैट इज नथिंग बट ड्यू टू ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन वो फंक्शन करता है इन फीमेल. ठीक है, देन हाई पिच्ड वॉइस, यूजुअली फीमेल हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, राइट? सो दैट इज डन बाई ईस्ट्रोजन. मेल्स में कौन करता है? प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर या लो पिच्ड वॉइस, ये सारी चीजें डन बाई टेस्टोस्टेरॉन. बट फीमेल के बारे में पूछा है, सो दैट इज डन बाई ईस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरॉन तो अभी तक आया ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद आएगा. और अगर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन हमारे में रिलीज होने लग जाए, सो दैट विल रिजल्ट इन टू नथिंग बट वॉट? योर एड्रेनल वायरलिज्म डिजीज हो जाएगा, इट्स अ सिंड्रोम. ठीक है, जहां पे टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई है, ईस्ट्रोजन को सप्रेस करता है. ठीक है, सो यस, सी वुड बी द राइट आंसर. मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. ज्योति अग्रवाल, शुभमजीत नाथ, सागर, प्रगति, मोहम्मद आसिफ, अंजलि, गोरखनाथ, यशस्वी, शुभमजीत, निशांत, हिमांशी, वेरी नाइस गाइस, सब लोगों ने सही जवाब दिया है. आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ योर नेम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. द सेल्यूलर लेयर दैट डिसइंटीग्रेट्स एंड रीजनरेट्स अगेन एंड अगेन इन ह्यूमन, बार बार डिसइंटीग्रेट होता है, रीजनरेट होता है, मोस्टली ऑब्वियसली आपकी फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा है, राइट? फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा है, राइट? सो दैट वुड बी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. अब आप बोलोगे मैम स्किन भी तो चेंज होती है, तो स्किन अपने आप डिसइंटीग्रेट होकर फिर रीजनरेट होती है? नहीं, बस डेड स्किन लेयर गिर जाती है तो नहीं आती है. बट एंडोमेट्रियम में क्या होता है? एंडोमेट्रियल लेयर आपका पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्लड निकलेगा और फिर से वो आपकी थिकनिंग होती है. हाइपरप्लेसिया बोलते हैं हम उस प्रोसेस को, मैंने कल ही आपको समझाया था हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या है. सो यस, दिस वुड बी द राइट आंसर. ए आपका सही जवाब है. दीक्षा, अंजलि, यशस्वी, प्रीत, राम प्रसाद, निशांत, शुभमजीत, ऋतिक, अंजलि, दुष्यंत, मोहम्मद आतिफ, देन हु एल्स, हिमांशी, ओके, शुभ बॉस, आई थिंक सब प्रॉफिट्स पाथ, निशांत ने सही जवाब दिया है, यशस्वी एंड अंजलि एज वेल, विशाल ने भी. ओके, वेरी नाइस गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस पार्टिसिपेशन. 37th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म? मतलब यहाँ पे वो मोटिलिटी की बात करें, फंक्शनल मैच्योरेशन. स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन कहाँ हो रहा था? टेस्टिस के अंदर ही हो रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस से. फंक्शन मतलब अब उसको मूव करना है, मोटिलिटी अटेंड करना है, सो दैट इज ऑब्वियसली इन द एपिडिडाइमिस. सो 37th का राइट आंसर वुड बी नथिंग बट एपिडिडाइमिस, जहाँ पे वो मोटिलिटी अटेंड कर रहा है. और स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी तो उसको टेस्टिस में ही मिल जाता है. कहाँ पे? टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वाया स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बनता है. सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. ऋतिक, दिवाकर, मीर, आकाश, अभिषेक, अंजलि, हिमांशी, चिनेश, मोहम्मद आसिफ, राम प्रसाद, यशस्वी, शुभमजीत, ज्योति अग्रवाल, सुनील शिंदे, मधु. ओके जी, वेरी नाइस, बहुत सही जवाब दिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. 38th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं. द फॉलिकल दैट रप्चर्स एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन promptly fills with blood forming what?
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ग्राफियन फॉलिकल है बच्चों, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, राइट, वो आपका रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद क्या हो जाता है, दिस वॉज सपोज योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल है और ये रप्चर हो चुका है। तो दीज वर नथिंग बट द फॉलिकुलर सेल्स, द रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स है ये, ठीक है, दीज आर नथिंग बट द रप्चर्ड फॉलिकुलर सेल्स, ओके जी, राइट। अब इसमें क्या हुआ है कि आपका ओव्यूलेशन हो गया, द ओवा हैज कम आउट, या इस तरह से ओवा बाहर आ चुका है, ओव्यूलेशन भी हो चुका है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स ऑब्वियसली फिल हो चुका है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस हीमोरेजिकम, ये है आपका कॉर्पस हीमोरेजिकम, ठीक है, ये आपका कॉर्पस हीमोरेजिकम है। सो कॉर्पस हीमोरेजिकम बाद में फिर कन्वर्ट होता है नथिंग बट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में वो आपका फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है। सो द राइट आंसर वुड बी नथिंग बट कॉर्पस हीमोरेजिकम, व्हिच इज नथिंग बट द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल फिल्ड विथ ब्लड। वेरी नाइस आंसर गिवन बाय दीक्षा, अंजलि, यशस्वी, शुभमजीत ने गलत दिया है, ओके, हु एल्स, दीक्षा और अंजलि ने दिया है सही जवाब, गोरखनाथ ने भी सही जवाब दिया है। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स द ईस्ट्रोजन आर सीक्रेटेड बाय द ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम इट्स, ग्राफियन फॉलिकल का कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन, व्हाट वुड बी द राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। इंटरनल, थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, कौन करता है, इट इज यूजुअली सीक्रेटेड बाय योर थिका, थिका इंटरना, ओके, और थिका इंटरना इज नथिंग बट मॉडिफाइड फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, आपकी फॉलिकुलर सेल्स ही है, अलग अलग पार्ट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स के जो अरेंज्ड होती है। सो यस, दिस वुड बी द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके जी, राइट, वेरी नाइस, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, बी का आंसर यहाँ पे बी दिया है 39 का राम प्रसाद ने, मोहम्मद आतिफ ने, दुष्यंत, मनहर, ज्योत, हिमांशी, अंजलि, दीक्षा, उन्नति, राम प्रसाद, विशाल, वेरी नाइस, मधु, शुभमजीत, वेरी नाइस, बहुत सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं। ऑर्काइडेक्टोमी, ऑर्काइडेक्टोमी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्काइडेक्टोमी इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, रिमूवल ऑफ द टेस्टिस इज नथिंग बट ऑर्काइडेक्टोमी, ठीक है, ओके, जैसे आप यूजुअली ओवरेक्टमी करते हैं, ओवरेक्टमी इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ द ओवरी, हिस्टेरेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ द यूटरस, वैसे ऑर्किडेक्टमी इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, जो किस वजह से करते हैं, यूजुअली फॉर कास्ट्रेशन, जिसका एक और नाम है कास्ट्रेशन, गॉट इट, ओके, सो यस, डी वुड बी द राइट आंसर, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, मधु, शुभम, नहीं, मधु ने गलत आंसर दिया है बच्चे आपने, राम प्रसाद का सही जवाब है, यशस्वी, मोहम्मद अंसारी, हिमांशी, अंजलि ने सही जवाब दिया है, दिवाकर हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली, ओके जी, बिल्कुल सही, दुष्यंत हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 41st क्वेश्चन, एट्रेटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन द, एट्रेटिक फॉलिकल्स कहाँ मिलते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स वो होता है जो डीजेनरेट हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिफोर बर्थ जब एक फीमेल फीटस का यू नो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में, there almost around millions of oogonia are formed, but उन millions में से after birth सिर्फ 60,000 to 80,000 ही रह जाते हैं, तो बाकियों का क्या हुआ, वो atretic follicle हो गया। अब वो 60,000 to 80,000 में से भी एक particular female का fertile period कितने years का होता है, almost 12 से, suppose किसी लड़की ने, किसी female ने 12 year old से puberty शुरू की है, तो 45 years में menopause हो गया है, तो सिर्फ इत कुछ साल तक वो प्रोड्यूस कर पाते, ऑलमोस्ट अराउंड 400 to 450 ही प्रोड्यूस होती है आपकी सेकेंडरी ओसाइट, बाकी क्या हो गया, एट्रेसिया हो गया, डीजेनरेट हो गया, कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओवरी में, और कहाँ जाएंगे, ओवरी के अंदर ही वो रहते हैं एट्रेटिक फॉलिकल, लाइक अ स्कार, ठीक है। सो यस, आर राइट आंसर वुड बी डी, दिवाकर आंसर करेक्टली, अंजलि, मनहर, दुष्यंत आंसर करेक्टली, दीक्षा, दिवाकर, वेरी नाइस, राम प्रसाद एंड मोहम्मद, आतिफ अंसारी एंड हिमांशी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 42nd क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें से कौन सा स्पर्मियोजेनेसिस शो
मतलब कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में. मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का वो फ्लो चार्ट बना के दिखाया था. आई टोल्ड यू किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, राइट. प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी क्या, स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड आपका चेंज होगा इंटू स्पर्मेटोजोआ विच इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. And that process is called as nothing but spermiogenesis. So who is undergoing spermiogenesis? Spermatids. Spermatid is a very large cell. बहुत ही बड़ा सा एक cell है इस तरह से. उसकी cytoplasm बहुत बड़ी है. Very thick. ये move नहीं कर सकता. Motility नहीं कर सकता. इसका change आता है इस तरह से और proper sperm का structure ये attain करता है. And that is called as spermiogenesis process. So A would be right answer. Not spermatogonia. Spermatogonia is undergoing spermatogenesis, mitosis. Two forms spermatocyte, primary spermatocyte, right? So A is the correct answer. Diksha, Jyoti, Anjali, Divakar, Himanshu and Himanshi bhi dono hi hai, achha. And Mohammad Atif ne bhi sahi jawab diya, Anjali ne bhi sahi jawab diya, Yashashvi as well. Dushyant ne bhi sahi jawab diya hai, the prophet's path. Very nice. Moving on to the 43rd question, various changes in mammalian sperm which prepare it to fertilize the ova are called as what? जो आपके मैमिलियन स्पर्म में कुछ चेंजेस आती है ताकि वो प्रॉपरली फर्टिलाइज कर सके ओवा को. हमें क्या पता है कि स्पर्म आया, ये ओसाइट वेट कर रहा था एंड दिस वाज सपोज इज द स्पर्म. स्पर्म वाज ब्रिंगिंग एनाफेस प्रोमोटिंग फैक्टर. एनाफेस प्रोमोटिंग फैक्टर की वजह से ही आपकी ओटिड बनी, फर्टिलाइजेशन हो गई, खत्म. ऐसा नहीं होता है. व्हेन द स्पर्म इज एंटरिंग द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट, सबसे पहले कैपेसिटेशन होना जरूरी है क्योंकि ये स्पर्म के ऊपर एक थिक कोलेस्ट्रॉल लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इस तरह से प्रेजेंट है. ठीक है, ये स्पर्म कवर्ड है एक कोलेस्ट्रॉल लेयर में. क्या आप देख सकते हो इस चीज को? कैन यू गाइस सी दिस, ऑल ऑफ यू? ओके, इस तरह से आपका पूरा पैक्ड है. तो अब स्पर्म एक्सपोज नहीं हो रहा है. स्पर्म का जो यहाँ पे ये सपोज कहाँ गया यार, एक मिनट रुक जाओ. ये जो स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट हैज अ रिसेप्टर जो ऊसाइक रिसेप्टर से जाके बाइंड हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये कवर्ड है तो ये बाइंडिंग नहीं होगी. तो इसको क्या करना है, इस चीज को रिमूव करना है. वी आर सपोज टू रिमूव इट. कैसे रिमूव करेगा, कौन रिमूव करेगा? कुछ एंजाइम्स होती है फीमेल वजाइनल ट्रैक में जो इस यो जो आपका क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेयर था, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर था, इसको रिमूव कर देगी एंड द स्पर्म इज एक्सपोज्ड एंड नाउ इट कैन बाइंड विद इट्स रिसेप्टर. दैट प्रोसेस कॉल्ड एज कैपेसिटेशन. सो कैपेसिटेशन इज नथिंग बट इट इज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. ये है आपका एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है. ए मोहम्मद अंसारी, दीक्षा, अंजलि, चिनेश, देन हु एल्स, उन्नति, दिवाकर. परफेक्ट, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है. मनेर उन, ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. मधु हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली. ठीक है, हाँ जी, यस हिमांशी, आई विल ड्रिंक सम वाटर, थैंक यू फॉर द कंसर्न. चलो 44th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हम लोग. इन गैस्टुलेशन विच इज और आर फॉर्म्ड, क्या होता है गैस्टुलेशन के वक्त? तो मैंने आपको बोला था कि गैस्टुलेशन में तीन जर्मिनल लेयर्स बनते हैं. ठीक है, जर्मिनल लेयर्स का मतलब क्या होता है? जो आपकी एम्ब्रायोनिक लेयर्स है, एम्ब्रियो में वो लेयर्स प्रेजेंट है अभी नहीं, लेकिन उन लेयर्स की वजह से ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स बन पाए हैं. सो थ्री जर्मिनल लेयर्स फॉर्मेशन होता है आपके गैस्टुलेशन वाले प्रोसेस में. व्हाट आर दोस? एक्टो, एंडो एंड मीजो. बिकॉज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हमें तीनों जर्मिनल लेयर्स की जरूरत है. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. डी करेक्ट आंसर है बच्चों. बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है. मीर, कावेरी, दीक्षा, अंजलि, मोहम्मद आतिफ, राम प्रसाद, यशस्वी, वेरी नाइस. ओके, हिमांशु ने भी सही जवाब दिया, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया, उन्नति, यशस्वी. चलो, आर बी स्पार्कल ने भी सही जवाब दिया है. ओके, 45th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा 45th क्वेश्चन का. ओके, फीटल सेक्स डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लुकिंग फॉर व्हाट? सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से ही आपको पता चलता है वेदर इट इज एक्स एक्स और इट इज एक्स वाई. ठीक है, यही
आपका दी 20, दिस इज नथिंग बट द 45th क्रोमोसोम एंड द 46th क्रोमोसोम। बाकी 44 क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं आपके? ऑटोसोम्स, ठीक है। जो ऑटोसोम्स या आपके प्रेजेंट होते दैट इज नथिंग बट 44। इसमें कितने होते हैं? दो होते हैं। सो यस, सेक्स क्रोमोसोम विल लुक फॉर नथिंग बट द सेक्स क्रोमोसोम जिसमें दो क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? द 44th एंड 45th एंड द 46th। सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली। आर बी, प्रशांत, मोहम्मद आतिफ, ज्योति, कावेरी, चिनेश, यशस्वी, हिमांशु, मीर, मादिता, प्रवीण हैज ऑल्सो आंसर करेक्टली, अंजलि, दिबाकर, उन्नति, आकाश। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैस्ट्यूलेशन? इसमें से गैस्ट्यूलेशन के लिए कौन सा सही नहीं है या इनकरेक्ट है? ओके, लेट्स सी हियर। आर्किंटेरॉन इज फॉर्म्ड, यस, आर्किंटेरॉन बिल्कुल बनता है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ऑल जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड, यस, एक्टो एंडो मीजो बनती है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, यस, आपकी एपीबॉली एंड एम्बॉली मैंने आपको पढ़ाया था, राइट? एपीबॉली एम्बॉली मैंने आपको समझाया था कि ये प्रोसेस क्या है, वो भी होता है। ब्लास्टोमियर्स एंड ब्लास्टोसील डीजेनरेट्स, बिल्कुल नहीं, वहां पे तो बन रहा है। गैस्ट्रोसील इज फॉर्म्ड, नॉट डीजेनरेट। अगर डीजेनरेट हो गया तो वो तो गैस्ट्रूला नहीं रहेगा, और ठीक है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। 46 का दिवाकर, प्रशांत, स्पार्कल, अंजलि, निशा, यशस्वी, हिमांशु ने सही जवाब दिया है, कावेरी ने भी, प्रवीण ने भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी। इन ह्यूमन फीटस द हार्ट बिगिंस टू बीट एट डेवलपमेंटल एज ऑफ, हार्ट बीट कब शुरू होती है, कौन से एज में? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? डेवलपमेंट एज ऑफ, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? बच्चों जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको दिख जाता है फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट बीट और उसकी पंपिंग शुरू हो जाती है। पूरा हार्ट डेवलप नहीं होता है, हार्ट डेवलप होता है 5th मंथ में, बट बीटिंग शुरू हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, है ना। यूजुअली हमारी हार्ट की डेवलपमेंट ही वैसे ही होती है जैसे हमने पढ़ा है, 2-chambered heart, 3-chambered heart, 4-chambered heart। सो वी हैड अ 2-chambered heart, तो वो बीटिंग तो करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे फिर चेंबर्स बनते हैं, इवोल्यूशन शो हो रहा है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एकदम बिगनिंग में हो रहा है, एकदम बिगनिंग में ये चीज हो रहा है। सो दैट वुड बी नथिंग बट वॉट? फोर्थ वीक इज नथिंग बट द फर्स्ट मंथ में हुआ है। सो फर्स्ट मंथ इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट? सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ए सही जवाब है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद आतिफ, अंजलि, देन परनीत, चिनेश, दिवाकर, दुष्यंत, आकाश, अभिषेक, प्रवीण, अक्रम, दीक्षा, ओके, आई थिंक मैंने बहुत लोगों का नाम लिया है, जिनका भी मिस हो गया आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वो दिख नहीं रहा है सबके नाम, बट दिख जाएंगे तो आई विल डेफिनेटली टेक इट। चलो 48 क्वेश्चन हमारे पास, बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए हैं। Let's see what would be the right answer. Okay, development of animal embryo from egg without fertilization is called what? Without fertilization मतलब obviously haploid egg ही आपका develop हो रहा है into nothing but an embryo. So that would be nothing but called as what? उसको हम parthenogenesis बोलते हैं. So जो individual है progeny बनेगा वो भी आपका haploid ही होगा. जैसे कि drones in case of honeybees. ओके जी, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अक्रम आंसर करेक्टली, परनीत आंसर करेक्टली, मोहम्मद आतिफ, अंजलि, अजर ने भी सही जवाब दिया है, प्रवीण, हिमांशु ने भी सही जवाब दिया है, दीक्षा आंसर करेक्टली, यशस्वी, रामप्रसाद ने भी सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स इन प्लेसेंटल मैमल्स, वी ऑल नो एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, ठीक है, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन कहां पे प्रेजेंट है? एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन फैलोपियन ट्यूब में। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब है। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली दिस वन। डी सही है और सही जवाब दिया है किसने? प्रवीण ने, मोहम्मद आतिफ ने, देन हु एल्स, राम प्रसाद, अंजलि, हिमांशु। ओके, मूविंग ऑन, मधु ने भी, नहीं मधु का गलत हो गया बच्चे, हिमांशु आंसर करेक्टली, निशा, मीर ने सही जवाब दिया, दिवाकर, ज्योति, अक्रम, अजर। ओके, वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे बच्चों। लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। व्हिच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, कौन सा लेयर सबसे पहले डेवलप होता है? कौन से लेयर की बात कर रहे हैं? जर्मिनल एपिथेलियम।
ठीक है, विच वन विल बी डेवलप्ड फर्स्ट। यहाँ पे वो आपको एम्ब्रायोनिक लेयर्स के बारे में नहीं बात कर रहे, वो जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, क्या सही जवाब होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका एंडोडर्म फॉर्म होता है, ठीक है, लेट्स सी, यस, एक एपीब्लास्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, एपीब्लास्ट जो एमनियोटिक कैविटी का सेल है, ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, वहाँ पे बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन्ड है। अभी हमारे पास क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं ये समझाने लग जाऊँ तो क्वेश्चन होगा नहीं। जस्ट शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, एपीब्लास्ट आपका फ्यूचर में एक्टोडर्म बनाता है, ठीक है, एक्टोडर्म बनाएगा। और जो आपकी हाइपोब्लास्ट होती है, ठीक है, हाइपोब्लास्ट होती है यहाँ पे, हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है, फ्यूचर में आपका एंडोडर्म बनाएगा, ठीक है, एंडोडर्म बनाएगा। तो सबसे पहले एपीब्लास्ट तो आ जाता है, बट एपीब्लास्ट एक्टोडर्म में डेवलप नहीं हो पाता है उतना जल्दी, सबसे पहले हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म में डेवलप हो जाएगा। सो एंडोडर्म इज द फर्स्ट वन दैट इज डेवलप, जर्मिनल लेयर, ठीक है, जो आपकी योग सैक बनाती है, इन फ्यूचर इट फॉर्म्स नथिंग बट योर योग सैक हियर। ओके, सो दिस वुड बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दीक्षा, चिनेश, यशस्वी, स्पार्कल, अंजलि, दिवाकर, मंगेश ने सही जवाब दिया है, वंडरफुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मधु हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली, हिमांशु ने भी, हिमांशी, दीक्षा, ओके, यस, अजय, एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म, एब्सोल्युटली राइट। 51st क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे बच्चों, हमें फिनिश करना है ये। एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है आपका एक्रोसोम, गॉल्गी बॉडीज से बनता है, लाइसोसोम से बनता है, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज से बनता है। गॉल्गी बॉडीज विल डेवलप इनटू नथिंग बट एक्रोसोम विच कंटेन सर्टेन स्पर्मालाइसिन। स्पर्मालाइसिन क्या होते हैं, स्पर्मालाइसिन आर नथिंग बट दीज आर सर्टेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं आपके एग के लेयर्स को। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो हाइलुरोनिडेज, ठीक है, हाइलुरोनिडेज, एनीथिंग एल्स, यस, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड एक्रोसिन, जिसको हम लोग जोनालाइसिन भी बोलते हैं, राइट। सो ऑल दीज वुड बी करेक्ट, बी आपका सही जवाब है 51st का। अंजलि ने सही जवाब दिया है, अक्रम, हिमांशु, ज्योति, मोहम्मद आतिफ, दिवाकर, अक्रम, यशस्वी, चिनेश, मीर, दीक्षा, वेरी नाइस, अंजलि, हिमांशी, ओके, परफेक्ट, बहुत राइट, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 52nd क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं हम। इन अ स्पर्म द माइटोकॉन्ड्रिया अकर कहाँ पे, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, टेल में है, एक्रोसोम में है, मिडिल पीस में है, यस, मिडिल पीस में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है उसको हम लोग नेबिन कर्न भी बोलते हैं बच्चों। नेबिन कर्न इज नथिंग बट इक्वल्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। मैंने समझाया था स्पेशल क्लास में भी कि किस तरह से आपका थ्योरी में किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग जो प्रेजेंट थी वो स्पाइरल कैसे बन गई। These things I have explained. You can watch those videos. They are available on NeetWire channel के playlist पे. ठीक है, right answer is C. बिल्कुल सही जवाब दिया दिवाकर, मोहम्मद आतिफ, अंजलि, सुशांत, चिनेश, मीर, अक्रम, अजय एंड राम प्रसाद, अंजलि, शांत कुमार, ओके, निशा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, उन्नति ने भी सही जवाब दिया, राम प्रसाद ने भी। 53rd क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं। आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, इसका अदर नाम क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कॉल इट एज नथिंग बट यू मैटरनल ट्विंस भी बोलते हैं समटाइम्स, बट ज्यादातर ये यूज नहीं होता है, ज्यादातर अभी यूज इधर मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। किससे बनते हैं आइडेंटिकल, एकदम 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं वो, जेनेटिकली, ठीक है, क्यों, बिकॉज लेट्स सी हियर, सपोज एक ओवा था, ठीक है, दिस वॉज एन ओवा, एक स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, यू गॉट नथिंग बट अ जाइगोट, ठीक है, आपको क्या मिला, जाइगोट मिला, टू एन जाइगोट। ड्यूरिंग क्लीवेज क्या होगा, ये जाइगोट आपके टू सेल स्टेज में डिवाइड कर जाएगी, इसको ऐसे ही बढ़ना है, दे आर सपोज टू फॉर्म लाइक दिस, फोर सेल्स बनाएगा, ठीक है, सिक्स सेल बनाएगा एंड सो ऑन, बट बाई चांस इस डेवलपमेंट में अगर ये दो ब्लास्टोमियर बाई चांस अलग अलग हो गए तो ये अलग से डेवलप होगी, ये अलग से डेवलप होगी, लेकिन प्रेजेंट तो सब में वही सेम जेनेटिकल कॉम्पोनेंट था, राइट, तभी इसको मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं, एक ही जाइगोट से ये डेवलप हो रहा है। सो वन फर्टिलाइज्ड एग्स डिवाइडेड इनटू टू ब्लास्टोमियर्स एंड देन दे बिकम सेपरेट ड्यूरिंग क्लीवेज प्रोसेस, मल फंक्शनिंग की वजह से ये अलग हो जाते हैं।
हालांकि उनको रहना एक ही साथ होता है नॉर्मली, एक से दो ब्लास्टोमियर हुए, दो से चार हुए, चार से आठ, आठ से सोलह, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक मास होने के जगह, एक बॉल मास होने की जगह वो अलग हो गए, तो ये अलग अलग डेवलप होंगे, ठीक है, वो मोनोसाइकोटिक है। तो ये आइडेंटिकल है और इनकी सेक्सेस भी सेम ही होगी, या तो ये दोनों ही फीमेल होगी, ठीक है, या तो ये दोनों ही मेल होगी, एक फीमेल एक मेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिस स्पर्म वाज सपोज कैरिंग वाई एंड दिस वाज ऑलरेडी एक्स, तो दिस इज गोइंग टू बी ओनली मेल। सपोज स्पर्म कैरी कर रहा था एक्स और ये एक्स था ही, तो दिस वुड बी ओनली फीमेल। अगर दो अलग अलग ओवा है तो अलग अलग स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज किया, देन इट वुड बी नथिंग बट बिकमिंग फ्रैटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। सो यस, डी वुड बी द राइट आंसर गाइस, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। दीक्षा, सुशांत, शांत कुमार, मोहम्मद आतिफ, दिवाकर, अंजलि, रेहान, कैफ आंसर्ड करेक्टली, उन्नति आंसर्ड करेक्टली, चलो बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बी स्पार्कल ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली। चलो 54th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। विच सेट ऑफ एंजाइम इज फाउंड इन द एक्रोसोम ऑफ मैमेलियन स्पर्मेटोज, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। हैलुरोनेस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और कुछ नहीं मिलता क्या? बिल्कुल मिलता है ना, जोनल लाइसिन। सो बी इज द राइट वन, हैलुरोनेस, सीपीई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोनल लाइसिन, जिसका दूसरा नाम है एक्रोसिन, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, बी आपका सही जवाब होगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली? Let's see here. I think Anjali answered correctly. Then RP Sparkle answered correctly. Akram answered correctly. Nisha. Then your Sushant ne bhi sahi jawab diya hai. Very nice, bachcho. Chinesh ne bhi sahi jawab diya hai. Mohammed Atif, Dushyant, Lekha. Very nice. Let's move on to the next question. Hum 455th question pe pahunch chuke hai. Fixing up of the blastocyst in the wall of uterus is known as what? जब आपकी ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस वॉल में जाके चिपक जाती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? इम्प्लांटेशन, वी ऑल नो दैट, जो आपके सेवेंथ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन यूजुअली होता है, करेक्ट। ये किस वजह से होता है, कैसे हुआ अचानक से जाके चिपक गया और वो मिसकैरेज इतना इजीली क्यों नहीं हो पाता है? दैट इज द रीजन बिकॉज योर जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, मैंने आपको अभी बताया था ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, दे आर स्टिकी इन नेचर, एडहेसिव इन नेचर होता है। वो क्या करता है, एंडोमेट्रियल लेयर को खोदता है, इरोड करता है, इरोड करते हुए और इंटीमेट कनेक्शन बनाता है प्लासेंटा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर 55th का। सुशांत, अंजलि, निशा, मोहम्मद आतिफ, चिनेश, अक्रम, अंजलि, दीक्षा एंड हु एल्स, मीर, दिवाकर एंड आरबी स्पार्कल ने सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणीत हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली। चलो 56th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं। प्लासेंटा इन ह्यूमन बींग्स इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है प्लासेंटा? वी ऑल नो प्लासेंटा के दो पार्ट होते हैं, देर आर टू पार्ट्स ऑफ अ प्लासेंटा। वन इज कॉल्ड एज नथिंग बट योर मैटरनल पोर्शन, एक है आपका मैटरनल पोर्शन, ओके, एंड द अदर वन इज नथिंग बट द फीटल पोर्शन। जो मैटरनल पोर्शन है दैट इज नथिंग बट फॉर्म्ड बाय द यूट्रस वॉल, ऑब्वियसली ये मैटरनल पोर्शन हो गया, और फीटल पोर्शन क्या है? कोरियोन। सो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, डी आपका सही जवाब है। मोहम्मद आतिफ ने सही जवाब दिया है, निशा ने सही जवाब दिया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चिनेश ने सही जवाब दिया है, सुशांत एंड दिवाकर ने भी सही जवाब दिया है, दीक्षा ने सही जवाब दिया है, देन हु एल्स, ठीक है, वेरी नाइस, ओके, एंड Yes, Meer has also answered correctly. Okay, right. Hello, Prabhat, I'm doing good. I hope you are doing well too. Chalo, next question pe move karte bacho. Next, Unnati has also answered correctly. Vikram ne bhi sahi jawab diya hai. Diksha ne bhi sahi jawab diya hai. Mr. Kaif ne sahi jawab diya hai. Pavitra, Dushyant, Kuldeep ka galat ho gaya hai. Chalo, 57 pe move karte hai. Let's see here. The phenomena of nuclear fusion of sperm and egg is called as, abhi thodi der pehle process bataya tha maine aapko. है ना, जाइगोट बनने से पहले कैरियोकैमी होना जरूरी है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एम्फीमिक्सिस। आई हैव शोन यू द डायग्राम एज वेल, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह पे डायग्राम दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, लेट मी जस्ट सर्च इट, वेट 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 वेट, कहाँ था, बहुत पहले दिखाया था मैंने, हाँ ये रहा एम्फीमिक्सिस। पहले दो, एक ऊटेड बना था, ऊटेड में क्या होता है, दो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं हैप्लोइड, ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई मेल एंड फीमेल जैसे फ्यूज हो गए, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस या कैरियोगैमी, तब जाके आपको मिलेगा साइगोट, ठीक है।
सो लेट मी मूव ऑन टू 57 सॉरी राइट आंसर दे दिया है बहुत लोगों ने, दिबाकर, चिनेश, अंजलि, निशा, सुशांत, मीर, अंजलि, दीक्षा, परफेक्ट, ओके, दिबाकर एज वेल, हु एल्स, हां जी आई थिंक ऑलमोस्ट डन, बहुत लोगों ने सही जवाब दे दिया है, यशस्वी एज वेल, चलो ज्योति अग्रवाल ने भी सही जवाब दिया, अंजलि ने भी सही जवाब दिया है। 58 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लिडोइक एग्स, बच्चों क्लिडोइक एग्स वो होता है विच इज द एग कवर्ड बाई ए कैलकेरियस शेल। जब भी एक कैलकेरियस शेल से कवर होता है आप द एग, दैट इज कॉल्ड एज क्लिडोइक, ठीक है। सो आपको रेप्टाइल्स में मिलेगा, बर्ड्स में मिलेगा, एग लेइंग मैमल्स में मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिशेस में क्लिडोइक एग्स नहीं होती है, इंसेक्ट में कभी कभी हो सकती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ शेल अराउंड इट, है ना, ऊथिका वगैरह होती है, बट दैट इज यूजुअली नॉट कैलकेरियस, वो आपकी काइटिनियस होती है, काइटिन से बनी हुई होती है। और मैमल्स में सिर्फ एग लेइंग मैमल्स ही है जो एग बना, आपकी एग ले करती है, बाकी नहीं करते हैं, राइट। सो यस, बी वुड बी द राइट आंसर। मैक्सिमम ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, सुशांत, अंजलि, आतिफ, कुलदीप, दीक्षा, ठीक है, ऑल ऑफ, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, ठीक है। अगर एंजॉय कर रहे हो लाइक करो, ठीक है, सेशन को, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसी तरह से हम नीट बोया चैनल में हम लोग हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यहाँ डिस्कशन होता है बच्चों, हर एक चैप्टर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 11th में 2 चैप्टर्स तो फिनिश कर दिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स अलॉन्ग विद द 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दैट इज योर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। आज रात को सर्क्यूलेशन का एनसीईआरटी शुरू होने वाला, आई विल शो यू ऑल माय क्लासेस, सो डोंट वरी, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ठीक है, ओके। मोहम्मद आतिफ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चलो। एलिसाइथल एग्स विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व आर फाउंड इन, यस मैन, मैमल्स आर यूजुअली एलिसाइथल, जिसमें आपको ऑब्वियसली योक सैक की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द मदर बाय न्यूट्रिशन बाय अ मदर्स ब्लड, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है। बट एक आपको एक छोटा सा एक राज की बात बता देती हूँ, जब आप MBBS के फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ह्यूमन एग जो है वो आपकी माइक्रोलिसाइथल होती है, लेकिन NCERT में एलिसाइथल दिया है तो हमें एलिसाइथल ही पढ़ना पड़ता है, तो इट्स ओके, आप एलिसाइथल ही पढ़ना, ठीक है, MBBS में जाके आपको असलियत पता चलेगी, ठीक है जी। सो यस, सी वुड बी द राइट आंसर गाइज, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, यशस्वी, शांत कुमार, दिबाकर, मोहम्मद आतिफ, सुशांत, अंजलि, ओके, मीर, संजना, वेरी नाइस गाइज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट वॉट, क्या प्रिवेंट करता है ट्यूबेक्टोमी, लेट्स सी हियर, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है वो, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, इट्स नथिंग बट स्टेरिलाइजिंग एंड कटिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो यस फर्टिलाइजेशन ही वो प्रिवेंट करेगा ना, अगर आपने फैलोपियन ट्यूब ही को कट कर दिया तो फर्टिलाइजेशन साइट चली गई, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कोइटस को नहीं वो प्रिवेंट कर रहा है, एक फॉर्मेशन को भी नहीं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी नहीं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। सो यस, ए वुड बी द राइट आंसर, सब लोगों ने बहुत बहुत सही जवाब दिया है, लेट्स सी हियर, ओके, सूरज उपाध्याय, सुशांत पांडे, कुलदीप भारती, विक्रम वशिष्ठ, अंजलि आंसर्ड करेक्टली, सोनू ने भी सही जवाब दिया है, राम प्रसाद ने भी सही जवाब दिया है, वेरी नाइस। सो आज हमारा 60 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। सुशांत आपने क्वेश्चन पूछा इमल्सिफिकेशन क्या है, उसका स्पेलिंग आपने बिल्कुल गलत लिखा है, इमल्सिफिकेशन इज नथिंग बट EMUL Emulsification is nothing but your breakdown of a large fat droplet, आपकी एक लार्ज ट्राइग्लिसराइड, TAG लिखती हूँ, इसको छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड में ब्रेक डाउन करने को ही हम emulsification बोलते हैं, राइट। इस प्रोसेस को करता कौन है, बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकॉलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकॉलेट, क्यों करती है, क्या जरूरत है, इसने डाइजेस्ट नहीं किया, बाइल सॉल्ट आपकी फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है, वो जस्ट छोटे छोटे में डिवाइड, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा हो। अब देखो पैनक्रियाटिक लाइपेज आया, अब पैनक्रियाटिक लाइपेज को डाइजेस्ट करना है ट्राइग्लिसराइड को, तो पहले उसको सरफेस एरिया कम मिल रहा था, राइट, अब उसको सरफेस एरिया हर एक मॉलिक्यूल के इतने सारे सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़ गई, तभी इमल्सिफिकेशन करते हैं हम, ठीक है, गॉट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है, हाँ जी, चलो, वेरी नाइस। सो वी आर गोइंग टू
मूव ऑन, हम लोग का 60th क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है बच्चों। आज रात को 8 बजे आपकी एक अनकैडमी क्विज भी है इसी चैप्टर पे, ठीक है। जो भी चीजें आपने अभी सीखी है, लेट्स चेक कि आप अनकैडमी क्विज पे भी वो कर पाते हो कि नहीं। सो टुनाइट एट अराउंड 8 PM, ये टुनाइट है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू कैन कम, राइट। मैं आपको कोड बता दूंगी, एकदम रात को 8 बजे शार्प आप नीट वोया चैनल पे आ जाना, ठीक है। आई टेल यू द कोड एंड विल स्टार्ट द क्विज बाई 8:05, ठीक है, पक्का याद रहेगा। एंड आज ही रात को 7 बजे, अभी 7 बजे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th का भी मैंने शुरू किया है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो सर्कुलेशन चैप्टर का आज रात को वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कम क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, इजी होते, आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर हम 8 बजे क्विज कर लेंगे। और कल टुमारो 31st of October मैं मैराथन सेशन करने वाली हूँ सर्कुलेशन का। तो आज रात को हम क्या कर लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कल फिर 3 बजे ही दोपहर से हम लोग, आई थिंक 7 बजे है, नॉट 3 बजे, 7 बजे हम सर्कुलेशन का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू ऑल अगेन, ठीक है। ठीक है, फिर से हम लोग मिलेंगे, कितने बजे, हम लोग 7 बजे मिलेंगे अभी, ओके 7 बजे मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करेंगे सर्कुलेशन चैप्टर का। फिर 8 बजे क्या है बच्चों, 8 बजे है आपका क्विज, कौन से चैप्टर पे, वही चैप्टर जो अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आप लाइक कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू नीट वॉच चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 बजे और 7 बजे रेगुलर क्लासेस भी चलती है हर एक सब्जेक्ट की, फॉर फिजिक्स, बॉटनी, केमेस्ट्री एंड जूलॉजी, ठीक है। एंड प्लस कोर्सेज भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एक और पूरा टीम लॉन्च कर रहा है, एक साथ एक बंडल कोर्स होगा टारगेटिंग 2021-2022 to both, ठीक है। तो आपका वो पूरा फिनिश कर दिया जाएगा सिलेबस 11th and 12th सबका, तो यू कैन एनरोल फॉर दैट बैचेस एज वेल, और प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो वॉच द वीडियोस, तो आप प्लस पे क्लिक करो, नीट यूजी पे क्लिक करो, एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 year या 2 years, ठीक है। तो 1 year का आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 2 years का भी मिल जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड गाइस, SWAGATA, स्वागता, ठीक है जी। एंड देन आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के साथ साथ पर्सनल कोचिंग मिल जाती है, किसी भी एजुकेटर से आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, नीट वॉयर चैनल की जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पे मैं आपको PDF भी डाउनलोड करा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टीम है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। कोमल मैम बॉटनी पढ़ाती है, मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। आस्था मैम आपको क्या पढ़ाती है, केमिस्ट्री, एंड विभाति मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी, ठीक है। सो इन्हीं चारों का टीम प्लस पे भी आ रहा है आपको हेल्प करने के लिए, कोर्स लॉन्च करने के लिए, ठीक है, नवंबर में ही हो जाएगा। ओके गाइस, ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू ऑल अगेन एट अराउंड 7 PM और फिर 8 PM को हम मिलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, नो आई विल सी यू, नो गुड नाइट, आई विल सी यू।